शहीद मनदीप सिंह दी पार्थिव देह नूं मुख अगन उन्हां दे 4 साल दे वड्डे बेटे मनतार सिंह ने भेट कीती। इस मौके शहीद दी पत्नी मनदीप कौर, माता मनजीत कौर अते सैनिक भरा जगरूप सिंह ने कहा कि उन्हां नूं माण है अपने मनदीप दी शहादत ते। मनदीप ने देश दी खातिर अतवादियां दे नाल होए मुठभेड़ विच अपनी जान कुर्बान कर दित्ती। उन्हां दा कहना सी कि मनदीप दी दिली तमन्ना सी कि पिंड विच खेड स्टेडियम बने अते शहीद दे नाम दा गेट बने। मनदीप इस तमन्ना नूं लै के पिंड विच पहला स्थान हासिल कर गया। शहीद मनदीप दी पत्नी ने कहा कि वह अपने दोनों पुत्रां नूं भी देश दी सेवा लई भारतीय सेना विच भेजणगे। मैनूं बहुत ही माण वाली गल है कि उन्होंने देश लई कुरबानी दित्ती है, कुरबानी दित्ती है। वो देश दी राखी करदे सी। मैनूं इक्को गल ही कहिंदे हुंदे सी, जिहड़ी तुसीं चैन दी नींद सौंदे हो ना, वो साडे करके सौंदे हो, साडे करके सौंदे हो। जे किते बार्डर खाली हो जाए ना, तो इत्थे घरां दे घर तबाह हो जाने ने, घरां दे घर तबाह हो जाने ने। इहो जिहियां गल्लां करदे हुंदे सी मेरे नाल। मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बनावांगी, मेरे बच्चे भी देश की राखी करनगे। मेरे दो बेटे ने, एक अज 40 दिन का, एक 4 साल का है, वो भी अपने पिता वांग ही देश की राखी करनगे। देश में शहीदी पा गया, देश वास्ते कुर्बानी दे गया मेरा पिता, बहुत मैनू माण उसते। शनिवार मेरे नाल ने बात की सी, बस आंदा मम्मी ठीक है, बच्चों का हाल पूछा ठीक ठाक जे, मैं कहा बेटा ठीक है। उत्ते ही पंजाब सरकार दे मंत्री त्रिपत राजेंद्र बाजवा ने कहा कि बहुत दुख दा समय है। उन्हां कहा केंद्र सरकार नूं इन्हां आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम चुकने चाहिए हन, अते पाकिस्तान बारे कहा कि इस तरह जंग जीती नहीं जानी। उन्हां कहा कि पंजाब सरकार वल्लों शहीद दे परिवार नूं 50 लाख रुपए की राशि अते एक मैंबर नूं नौकरी दित्ती जाएगी, अते नाल ही शहीद दे नाम दे पिंड विच गेट अते खेड स्टेडियम भी बनाया जाएगा। माड़ी गल हुई है, परिवार का नौजवान जी जाता रहा वा, बच्चा छोटा वा, एक 4 साल का, एक 1.5 महीने का। दिल्ली सरकार ये बारे चिंतित होनी चाहिए। बाकी मैं पाकिस्तान सरकार को कहना भी इन गलों जंग जीती नहीं जा सकती। जंग जी है अमन सामने बह के ही वो फैसले होंगे ने, जोड़ा भी इशू है अमन सामने बह के डिसाइड करना चाहिए, ना कि इस तरह दियाँ वाहियत हरकत कोई जंग जीती जा सकती है। बाकी पंजाब सरकार इस शहीद परिवार ने धोती है। CM साहब ने 50 लाख रुपया अनाउंस किया, जोड़ा करता जी कोई नौकरी चाहिए नौकरी मिलेगी, कोई यादगारी गेट या स्टेडियम जो भी है उस परिवार रख गया। उत्थे ही राजनीतिक नेता सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि बहुत ही दुख भरिया माहौल अते समा है, सरकारां अते सानू शहीद परिवार दे नाल हमेशा ही खड़े रहना चाहिदा है, अते हुण पाकिस्तान दे नाल एक वार फैसलाकुन जंग लड़नी चाहीदी है। उत्थे ही जिला गुरदासपुर दे डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद इशफाक ने कहा कि प्रशासन शहीद मनदीप दे परिवार नाल खड़ा है अते हमेशा ही खड़ा रहेगा। देश का और खास तौर पर उन्होंने बच्चों का, उसकी धर्म पत्नी का, वो माँ बाप का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बार बार नौजवान रोज शहीद हो रहे हैं और शहादत का मुल जरा कोई देश की सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि तो कहना ही सौखा है कि शहीद असं अमर होने के नारे लाते हैं, पर जो शहीदों के परिवारों का बाद कोई उन्होंने लिपाफ्टर नहीं करता। ठीक है, सरकार एक बार मदद कर दें, उन्होंने बच्चों पर्सनैलिटियाँ डिवेलप नहीं होंगे। यंग मुंडे ने इन चो 4-5 मुंडे जोड़े बहुत नौजवान ने, किसी का विह हाली होने वाला से, किसी का थोड़े दिन होने वाला, बहुत व्डा ग्रेट लॉस है। असं समझने कि पंजाब के लोग तो डेड बॉडी रिसीव कर करके दुखी हो गए। असं चाहते हैं भी रोज की जी खह मुकनी चाहिए है, पाकिस्तान नाल फैसला को लड़ाई एक बार लड़ लेनी चाहिए है। देखो जी, अज साडा जो देश मजबूत है, असं अज अपने घर च आराम की नींद सो रहे हैं, तो इन जवानों के सदके ही है, इन्हों के परिवारों ने जो कुरबानी की है देश कदम नहीं दे सकता। असं तो अज बस दुख साझा करना आए हैं, पर जो नुकसान परिवार का होगा पूरा नहीं हो सकता।
जो पंजाब सरकार द्वारा पहले ही अनाउंसमेंटा हो चुकी ने, साढ़ा तो एक ही कोशिश है कि सारी चीज़ें छेती छेती उपराला करके परिवार को सारी मदद पहुँचाई जाए और एक असी दुख साझा करना आए हैं और सानू माण अपने शहीदों के। गुरदासपुर तो जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट, द पब्लिक टाइम्स।